एक और समर की एकदम ठंडी रिफ्रेशिंग नए वेरिएशन के साथ लेके आई हूँ लस्सी की रेसिपी, जो है हमारी पान लस्सी। पीने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अमेजिंग है, बहुत फ्लेवरफुल है। तो इसे बनाना बहुत आसान है। तो जब भी गेस्ट को बुलाइए या घर में आपको रोज़ कुछ अलग अलग ठंडी ठंडी ड्रिंक्स बनानी है, तो इस तरीके से मेरी डिफरेंट डिफरेंट लस्सी की लिस्ट को चेक करिए और रोज़ कुछ अलग अलग लस्सी बनाइए, कुछ अलग अलग ड्रिंक बनाइए। तो चैनल पर बहुत सारी रेसिपी अपलोड है, वहाँ से चेक कर सकते हैं आप। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज हम बना रहे हैं पान लस्सी, जो कि बहुत टेस्टी, ठंडी, रिफ्रेशिंग, मज़ेदार है। किसी गेस्ट को सर्व करेंगे तो वो तो बहुत खुश हो जाने वाले हैं। तो इसे बनाना बहुत आसान है। एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम कोई क्रश यूज़ नहीं करेंगे। मार्केट से महंगे महंगे क्रश लाके आप स्टोर करके रखते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप नियर बाय शॉप से दो मीठे पान लगा के लाइए, जिसमें आप कत्था, चूना, सुपारी और लौंग नहीं डलवाइएगा। तो देखिए, मैंने दो मीठे पान मंगवा के रखे हुए थे, और इसको मैं गुलकंद को सेपरेट कर लूँगी और पान की पत्तियों को सेपरेट कर लूँगी। और हमें इसे हल्का सा क्रश करना है, तो इसके लिए हम इसे अलग अलग करने के बाद मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना लस्सी, तो बहुत टेस्टी लगेगी। और बिलीव मी, आपका बहुत कम खर्च में इतनी टेस्टी लस्सी बनके तैयार हो जाएगी, इंस्टेंट पान लस्सी, तो बिना क्रश के। है ना अमेजिंग सी रेसिपी। तो देखिए, इस तरीके से पान के पत्तों को तोड़कर मैं जार में डाल लूँगी, और जो थोड़ा सा पान का पत्ता है मैं लास्ट में गार्निशिंग के लिए बचा के रख रही हूँ। साथ में जो ये जो गुलकंद है, इसे भी हम जार में ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा गुलकंद मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी, एक आधा स्पून के करीब। तो ये दोनों मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। अब हमें इसे हल्का सा ग्राइंड करना है, दरदरा। आपको एक सेकंड के लिए इसे बस चलाना है। आपको अगर पीसने में दिक्कत हो रही है तो आप एक से दो स्पून पानी ऐड कर सकते हैं, बट याद रखिए आपको इसका पेस्ट नहीं बनाना है। इस तरीके से आपको चंक्स करने हैं इसके, ताकि जब आप लस्सी में इसे डालें तो इसके मुँह में पान के जो छोटे छोटे चंक्स आएंगे ना, खाने में, पीने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो अब मैंने लिया है यहाँ पे आधा कप दही, 250 ग्राम दही है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 स्पून करीब शक्कर। आप लस्सी जितना मीठा बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हमने पॉज कर करके 1 से 2 मिनट तक चला लिया है, और देखिए लस्सी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था पान का मिक्सर, तो वो 1 स्पून करीब मैं इस टाइम पर इस पर डाल रही हूँ। और आपको इसे एक सेकेंड के लिए बस हल्का सा चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। बस हमारी लस्सी बन गई है। अब इसे और प्रेजेंटेटिव बनाएंगे, टेस्टी बनाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत सारे आइस क्यूब ग्लास में डाल लिए हैं, और अब हम डालेंगे इसके अंदर लस्सी। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी, आप चाहें तो इस टाइम पर जब पान आप पीस रहे हैं तभी आप ग्रीन कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की लस्सी बनाना है तो। अब हमने जो बचा के पान का क्रश रखा हुआ था वो भी मैं इसके अंदर 1-1 स्पून डाल के इसे अच्छे से, देखिए इस तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना, लस्सी में ऊपर भी बहुत अच्छा फ्लेवर है लस्सी के साथ, अंदर भी आपने दही के साथ पान का क्रश डाल ही चुके हैं तो बहुत टेस्टी। ऊपर से मैं पान के पत्तों को गार्निश कर रही हूँ, जो भी हमारे गुलकंद का मटेरियल था, और साथ में बहुत सारे मुखवास मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं, ड्राई पान मिल जाते हैं, बहुत सारे खट्टे मीठे पान के फ्लेवर मार्केट में मिलते हैं, माउथ फ्रेशनर, तो आप वो घर में ऑलरेडी हमारे पास होते ही होते हैं। तो इस तरीके से मैं उसको भी इसके ऊपर गार्निश कर लेंगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो टूटी फ्रूटी तो नॉर्मली होगा ही होगा, तो टूटी फ्रूटी भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो दिख रही है ना कितनी कलरफुल और बहुत टेस्टी सी लस्सी। तो ये तो हमारी बेसिक लस्सी बनके तैयार है। अगर आपको इसे और प्रेजेंटेटिव बनाना है तब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच लस्सी में ग्रीन कलर ऐड करके, इस तरीके से देखिए मैंने 2-3 चम्मच लस्सी में ग्रीन कलर ऐड करके ऊपर से डाल दिया है। तो ये कितना कंट्रास्ट कलर में दिख रहा है ना, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, और ऊपर से हमने गुलकंद डाल दिया है। तो कितनी टेस्टी लस्सी बन के तैयार है फटाफट से।